गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, वेलकम यू इन योर सोशल साइंस क्लास. बेटा येस्टरडे वी स्टार्टेड रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ एन असाइनमेंट और एन एक्टिविटी बेस्ड. तो कल हमने देखा था कि बच्चे कैसे कम उम्र में स्टडी के साथ साथ हार्डवर्क करते हैं. अब आज हम एक दो स्टोरीज रीड करेंगे जिससे आपको ये बात क्लियर होगी. शिवाक्षी इन तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इट्स मैच एंड फायर क्रैकर फैक्ट्रीज. शिवाक्षी तमिलनाडु में फेमस है, वहाँ पे माचिस बनती है और फैक्ट्री पटाखों की फैक्ट्री है. अर्लियर द फैक्ट्री हेयर एम्प्लॉयड मैनी चिल्ड्रन. पहले तो इस फैक्ट्री में बहुत बच्चे काम करते थे. नाउ देर इज़ अ बैन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दोज जॉब्स दैट आर डेंजरस फॉर देयर हेल्थ. पर अब वहाँ पे बैन है, मनाही है बच्चों को जॉब देना, क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए डेंजरस है. द केमिकल्स यूज इन फैक्ट्रीज हार्म द चिल्ड्रन. जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उस फैक्ट्री में वो बच्चों को बहुत नुकसान कर सकते हैं. दे डेवलप ब्रीथिंग एंड स्किन प्रॉब्लम. उस वजह से बच्चों को सांस लेने की और स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. डू यू नो द फायर क्रैकर्स दैट यू बर्न एट फेस्टिवल्स पल्यूट द एयर एंड हार्म द हेल्थ ऑफ मेनी पीपल. आपको पता है जो पटाखे आप दिवाली पर चलाते हो, ठीक है, उससे कितना ज़्यादा एयर में पॉल्यूशन होता है और हेल्थ कितने लोगों की ख़राब होती है. सो टेक अप वो नो फायर क्रैकर्स. तो इसलिए कसम लो आज, ठीक है, एक रेवोल्यूशन करो कि हम जो है कोई भी क्रैकर नहीं चलाएंगे. क्लियर. ऑल चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल. सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए. दे कैन नॉट फुलफिल देयर ड्रीम्स और डू एनीथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री विदाउट एजुकेशन. एजुकेशन के बिना कोई भी बच्चा अपने सपने नहीं पूरे कर सकता और ना ही वो कंट्री के लिए कुछ कर सकता है. सैडली चाइल्ड लेबर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन आर कंट्री. बहुत बुरी बात है कि चाइल्ड बाल मजदूरी हमारी कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. थाउजेंड्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन हैव टू वर्क टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर फैमिलीज. हज़ारों बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है. दे डू नॉट हैव अ चांस टू प्ले एंड इन्जॉय देयर चाइल्डहुड. उनके पास कोई टाइम नहीं है, कोई चांस नहीं है कि वो खेलें, अपना बचपन इन्जॉय करें. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन इक्विप देम टू गेट गुड जॉब्स व्हेन दे ग्रो अप. तो एजुकेशन और ट्रेनिंग इस एबल बनाती है उनको कि वो बड़े हों और वो अच्छी जॉब्स पे जाएं. दे विल बी एबल टू अर्न मनी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फूड शेल्टर क्लॉथिंग एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम. इस एबल बन जाएंगे अगर उनको एजुकेशन मिलेगी प्रॉपर, कि वो इतना पैसा कमा सके कि अपनी जो ज़रूरत है फूड की, शेल्टर घर की, कपड़ों की, वो किसी भी प्रॉब्लम के बिना, मतलब कि वो सॉल्व कर पाए. लुक एट द पिक्चर. इस पिक्चर में देखिए बेटा, दिस इज़ शुकू. इसका नाम है शुकू. ही इज़ 8 ईयर्स ओल्ड. 8 साल का बच्चा ये. ही लिव्स इन अ स्मॉल हट विद हिज पेरेंट्स एंड 4 ब्रदर सिस्टर. ये एक छोटी सी झोंपड़ी में अपने पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर के साथ, 4 ब्रदर सिस्टर के साथ रहता है. हिज फादर वर्क्स इन अ टी शॉप. उसके पिताजी जो हैं एक चाय की दुकान पे काम करते हैं. हिज मदर क्लीन्स वेसल्स इन नियर बाय कलोनी. उनकी मदर जो है वो एक नज़दीक की कलोनी में बर्तन साफ करती हैं. बोथ ऑफ देम आर नॉट एबल टू अर्न इनफ मनी टू फीड द फैमिली. और उनके जो माता पिता हैं वो इतना पैसा नहीं कमा पाते कि पूरी फैमिली को वो चला सकें. द चिल्ड्रन गो टू द ट्रैफिक क्रॉसिंग टू बेग फॉर फूड एंड क्लोथ्स. तो बच्चे जो हैं ट्रैफिक, जहाँ पे हम देखते हैं ना बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, बेगिंग कर रहे होते हैं, तो उनके बाकी बच्चे जो हैं वो वहाँ जाके भीख मांगते हैं, ठीक है. शुकू हेट्स बेगिंग. शुकू को भीख मांगना पसंद नहीं है. ही अर्न्स अ लिटल मनी बाय वर्किंग एट ढाबा. वो ढाबे पे काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाता है. ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल बट हिज पेरेंट्स नीड वट एवर लिटल मनी ही अर्न्स टू फीड देयर 5 चिल्ड्रन एंड देमसेल्व्स. तो वो सिर्फ, मतलब उसका सपना है कि वो स्कूल जाए, ठीक है, बट उसको पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़रूरत है पैसा कमाने की, इसीलिए वो नहीं जा पाता. मैनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली एंड एजुकेशन. कई लोग जो हैं एजुकेशन के, आप लोग में से भी काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, बट आपको समझ होना चाहिए कि कितनी ज़्यादा एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है और काफ़ी बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं. क्लियर. ओके बेटा, दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडे. आज आप इसको रीड करना, ठीक है. असाइनमेंट बेस्ड है ये. वेन एवर दिस चैप्टर विल बी कम्प्लीटेड आई विल प्रोवाइड यू एन असाइनमेंट. तो आपको वो असाइनमेंट कम्प्लीट करनी होगी जो आपकी रीडिंग बेस होगी. अगर आप रीड करोगे तभी वो आपको समझ आएगी. क्लियर. ओके बेटा, थैंक यू.